हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, उसी को हम शॉर्टकट में वैम मेथड कहते हैं, वो हम देखने वाले हैं। वैम मेथड हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो वैम मेथड का ये मैंने प्रॉब्लम कंसिडर किया है, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो वैम मेथड सॉल्व करने के लिए जो रूल्स लगते हैं वो मैंने यहाँ पर साइड में लिखे हैं, वो हम रेफर कर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला हम देखेंगे गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। कौन सा भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सप्लाई की एडिशन कर दूंगी, 6 + 1 + 10 = 17, और डिमांड की एडिशन कर दूंगी, 7 + 5 + 3 + 2 = 17। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई हमारा सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। तो हमारा दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो क्या हम कह सकते हैं, बैलेंस। तो हम अभी वैम मेथड से वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो आपको पहले वो बैलेंस करना चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें पेनाल्टीज निकालनी है। तो पहले ये प्रॉब्लम में अभी मैंने ये प्रॉब्लम जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम अभी वो वैम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें वैम मेथड से कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए हमें पहले क्या निकालनी है, पेनाल्टीज़ निकालनी है। पेनाल्टीज़ मतलब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो है वो मुझे कॉस्ट दी हुई है, मैं रो की अलग से पेनाल्टी निकालूंगी और कॉलम्स की अलग से पेनाल्टी निकालूंगी। तो पेनाल्टी, और यहाँ पर भी मैं पेनाल्टी निकालूंगी। तो यहाँ पर मिनिमम दो कौन से कॉस्ट है, 2 और 1, ये मेरे मिनिमम कॉस्ट है। तो 2 - 1 मेरी पेनाल्टी आ गई 1। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम कौन से कॉस्ट है, 3 और 0 पेनाल्टी आ गई 3। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट कौन से है, 2, यहाँ पर 11 और 6 ये मेरे मिनिमम कॉस्ट है। तो 11 - 6 तो हमारी पेनाल्टी आ गई यहाँ पर 5। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम कौन से 2 कॉस्ट है, तो 7 और 1 तो पेनाल्टी आ गई मेरी 7 - 1 = 6। तो वैसे ही मैं रो पेनाल्टी निकालूंगी, आप रो पेनाल्टी अदरवाइज पेनाल्टी लिखे तभी भी चल सकता है। तो मैं पेनाल्टी लिख लूँगी, यहाँ पर मेरा सप्लाई लिखना है तो सप्लाई लिख रही हूँ। तो पेनाल्टी, रो पेनाल्टी मैं निकालूंगी, तो यहाँ पर मिनिमम कौन से 2 कॉस्ट है रो में से, 2 और 3 तो पेनाल्टी आ गई 2 - 3 - 1 = 2। यहाँ पर 1 और 0 पेनाल्टी आ गई 1। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम 2 कॉस्ट कौन से है, 5 और 8 तो मेरी पेनाल्टी आ गई 3। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे कौन सी पेनाल्टी सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, तो मुझे मैक्सिमम पेनाल्टी सिलेक्ट करनी है। तो मैक्सिमम पेनाल्टी सिलेक्ट, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम पेनाल्टी सिलेक्ट करूँगी। और मैक्सिमम पेनाल्टी के लिए कहाँ कौन सी, यहाँ पर मेरे पास ये पेनाल्टी है 3, 1, 3, 5, 6, 1, 1, 3 तो मैक्सिमम पेनाल्टी है मेरे पास 6, तो मैंने 6 सिलेक्ट कर दी। और उस अप्रोप्रिएट कॉलम में मेरी मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो मेरी मिनिमम कॉस्ट है 1, तो मैंने 1 को अलोकेशन कर दिया। तो 1 सेल के लिए अप्रोप्रिएट सप्लाई, और मैं डिमांड देखूंगी, सप्लाई है 1, डिमांड है 2, तो मिनिमम क्या है 1, तो 1 के लिए मैं अलोकेशन कर दूंगी। जो मैं अलोकेशन कर रही हूँ माइनस करूँगी, 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 1। उसके बाद मेरा सप्लाई जो है वो 0 हुआ है, तो उसके अप्रोप्रिएट जो रो है उस रो में से जो सेल है वो मैं कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई 0 हुआ है तो मैं उस सेल के लिए अलोकेशन नहीं कर सकती। इसी तरह नेक्स्ट अलोकेशन के लिए फिर से मुझे क्या निकालनी है, पेनाल्टी निकालनी, रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी मैं फिर से निकालूंगी। तो यहाँ पर ये तो मेरे सेल कैंसिल हो गए, तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स बचे हैं, 2 और 5। तो 2 और 5 में से मैं पेनाल्टी का डिफरेंस निकालूंगी, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 5, 8 - 3 = 5। जैसे मैंने पहले पेनाल्टी निकाली वैसे मैं पेनाल्टी निकाल रही हूँ, 15 - 11 क्या आएगा हमारा यहाँ पर 4,
यहाँ पर आएगी हमारी 9-7 पेनाल्टी आएगी 2। ये मैंने रो की पेनाल्टी निकाली है, इसी तरह मैं कॉलम की पेनाल्टी निकालूंगी इसी तरह मैं कॉलम की पेनाल्टी निकालूंगी तो यहाँ पर फिर से मेरे मिनिमम कॉस्ट कौन से है, कॉलम में से, रो में से 2 और 3, डिफरेंस आया 1। यहाँ पर तो मेरे सारे सेल मैंने कैंसिल कर दिए तो यहाँ पर पेनाल्टी नहीं आ रही, तो यहाँ पर मैं डैश कर दूंगी। उसी तरह नेक्स्ट रो की पेनाल्टी आएगी हमारी 3, क्योंकि 8-5 3। फिर से मैं मैक्सिमम पेनाल्टी सिलेक्ट करूंगी, तो मेरी यहाँ पर मैक्सिमम पेनाल्टी क्या है, 5। तो 5 के लिए मैं अलोकेशन, मिनिमम सेल के लिए अलोकेशन कर दूंगी, तो यहाँ पर 5 ये मेरा पेनाल्टी का कॉलम है, तो कॉलम में से मेरी मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 3 और 8 में से 3, तो मैं 3 सेल के लिए अलोकेशन कर दूंगी। तो 3 सेल के लिए मैं सप्लाई देखूंगी और डिमांड देखूंगी, सप्लाई है मेरे पास 6, डिमांड है 5। अलोकेशन किसका करूंगी, मिनिमम का करूंगी, तो यहाँ पर मैंने 5 का अलोकेशन किया, 5-5 0 और 6-5 1। जो मेरा 0 हुआ है, यहाँ पर मेरा डिमांड 0 है, तो उसके कॉलम में से अप्रोप्रिएट रिमेनिंग सेल था वो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर नेक्स्ट अलोकेशन के लिए फिर से मैं क्या निकालने वाली हूँ, पेनाल्टी निकालने वाली हूँ, तो यहाँ पर 2 ही सेल है, फिर से 5-2 3 आएगा, यहाँ पर मेरे सारे सेल क्रॉस हो गए, तो यहाँ पर डैश आएगा 4 पेनाल्टी, यहाँ पर पेनाल्टी आएगी 2। मैं उसके बाद रो की पेनाल्टी निकालने वाली हूँ, तो रो की पेनाल्टी निकालने के लिए यहाँ पर मेरे मिनिमम सेल कौन से, 7 और 5, तो यहाँ पर 7 माइनस सॉरी मेरे मिनिमम सेल कॉस्ट कौन से, 7 और 2, 7-2, यहाँ पर पेनाल्टी आ गई 5। यहाँ पर पेनाल्टी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर मेरा सप्लाई 0 है, इसलिए ये सेल कैंसिल हुए। यहाँ पर फिर से मैं पेनाल्टी निकालूंगी, तो यहाँ पर डिफरेंस मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 9 और 5, 9-5 क्या हुआ, 4। फिर से मैं कौन सी पेनाल्टी सेलेक्ट करूंगी, मैक्सिमम पेनाल्टी सेलेक्ट करूंगी, मैक्सिमम पेनाल्टी है 5, और 5 के लिए यहाँ पर कॉस्ट देखनी है, तो किस सेल का अलोकेशन करूंगी, जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, किसकी कॉस्ट मिनिमम है, 2, तो 2 के लिए मैंने अलोकेशन कर दूंगी। तो 2 के लिए मैं फिर से डिमांड और सप्लाई देखूंगी, डिमांड है 7, सप्लाई है 1, उन दोनों में से मिनिमम क्या है, 1, तो मैं 1 के लिए अलोकेशन कर दूंगी, 1-1 0, 7-1 6, जो मेरा सेल यहाँ पर सप्लाई 0 हुआ है, इसलिए मैं इस अप्रोप्रिएट रो से जो मेरे रिमेनिंग सेल है वो मैंने क्रॉस कर दिए। फिर से मुझे पेनाल्टी निकालनी है, यहाँ पर एक ही सेल है तो हम वही एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए हमें 2 सेल लगते हैं, लेकिन एक ही सेल है तो मैं यही एज इट इज़ लिखूंगी। यहाँ पर 15 और यहाँ पर 9। फिर से मुझे रो की पेनाल्टी निकालूंगी, यहाँ पर सप्लाई 0 हुआ है, पेनाल्टी नहीं आएगी, यहाँ पर भी सप्लाई 0 है, पेनाल्टी नहीं आएगी, तो फिर से यहाँ पर मिनिमम क्या है, 9-5 4, रो पेनाल्टी आ गई मेरी 4। फिर से मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, मैक्सिमम पेनाल्टी यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी, मैक्सिमम पेनाल्टी क्या है मेरी, 15। तो 15 में मेरे पास एक ही सेल बचा है, वहाँ पर ही मैं एलोकेशन कर दूँगी, इसके लिए अप्रोप्रिएट डिमांड है 3, सप्लाई है 10, तो मैं एलोकेशन मिनिमम का कर दूंगी, 3-3 0, 10-3 7। फिर से मेरे नेक्स्ट एलोकेशन के लिए मैं पेनाल्टी निकालूंगी, 5 डैश, यहाँ पर भी पेनाल्टी नहीं आएगी, यहाँ पर पेनाल्टी नहीं आएगी, यहाँ पर मिनिमम मेरे पास 2 ही सेल है, 4, तो मुझे फिर से क्या लोकेशन, फिर से कौन से पेनाल्टी सेलेक्ट करनी है, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पेनाल्टी है मेरे 9, तो मैंने 9 के लिए एलोकेशन कर दिया, 9 पेनाल्टी सेलेक्ट कर दी, उसमें एलोकेशन करूँगी इस सेल को, क्योंकि एक ही सेल बची है मेरी, डिमांड है 1, सप्लाई है 7, तो मिनिमम क्या है, 1, मैंने 1 का एलोकेशन कर दिया, 1-1 0 और 7-1 6। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट पेनाल्टी निकालनी है, तो नेक्स्ट पेनाल्टी के लिए यहाँ पर मेरे पास एक ही सेल है, 5, और यहाँ पर भी मेरा एक ही सेल है, 5,
तो मेरा एक ही सेल बचा है, मैंने 5 सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर डिमांड है 6, सप्लाई भी है 6, तो मेरा ऑल डिमांड और सप्लाई क्या हुआ यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया है, 0 और यहाँ पर भी 0। तो ये हमारा अलोकेशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला है IS इक्वल टू M। XIJ इंटू CIJ, XIJ इंटू CIJ मीन्स यहाँ पर हम ये जो है वो मेरा अलोकेशन है, इसको हम कहते हैं XIJ, और CIJ मीन्स उन्होंने जो हमें कॉस्ट दी है उसे हम कहेंगे CIJ। तो हमें सिर्फ सिंपली इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों सेल का मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करनी। तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, 1 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 6 × 5 प्लस 15 × 3 प्लस 1 × 9। तो ये सारे सेल का जब मैं मल्टीप्लिकेशन कर एडिशन कर दूंगी तो मेरी कॉस्ट आएगी 102। तो 102 ये मैंने कॉस्ट निकाली है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की यूजिंग VAM मेथड। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।